गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अमित कुमार सिंह फ्रॉम द सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर सेकेंड, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस। एकवचन और बहुवचन संज्ञाएं। आइए हम सिंगुलर नाउन के डिफिनेशंस को समझते हैं। सिंगुलर नाउंस रेफर टू वन पर्सन, आइडिया आर थिंग्स। सिंगुलर नाउंस रेफर टू वन पर्सन। सिंगुलर नाउन, जो सिंगुलर नाउन होता है वो हमें क्या करता है, संकेत करता है। रेफर टू वन पर्सन हमें संकेत करता है एक व्यक्ति के बारे में। आइडिया आर थिंग्स, एक विचार के बारे में। आर थिंग्स या किसी एक वस्तु के बारे में। एग्जाम्पल, अजीत बॉट अ गिफ्ट फॉर हिज मदर। अजीत बॉट, अजीत ने खरीदा अ गिफ्ट, एक उपहार, फॉर हिज मदर। इस एग्जाम्पल में अ गिफ्ट, एक उपहार के बारे में बात हो रही है। और जब कोई भी किसी भी सेंटेंस में जब किसी एक नाउन की बात हो तो वो सिंगुलर नाउंस होता है, प्लूरल नाउंस डिफिनेशन। चलिए हम समझते हैं प्लूरल नाउंस क्या होता है। प्लूरल नाउंस रेफर टू मोर देन वन पर्सन, आइडिया, थिंग्स। प्लूरल नाउंस बहुवचन संज्ञाएं, रेफर टू मोर देन वन पर्सन, हमें एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में बतलाती हैं, संकेत करती हैं। आइडिया और थिंग्स, या एक से ज़्यादा विचारों के बारे में या एक से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में संकेत करती हैं। एग्जाम्पल, अजीत बॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर हिज सिस्टर। अजीत ने खरीदा मैनी गिफ्ट्स, बहुत सारे उपहार, फॉर हिज सिस्टर, अपनी बहन के लिए। मतलब मैनी गिफ्ट्स का मतलब बहुत सारे उपहार, मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन। दिस वन इज प्लूरल नाउंस, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या हुआ है, मैनी गिफ्ट्स, बहुत सारे उपहार के बारे में बात किया गया है। जब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में, एक से ज़्यादा विचार के बारे में, एक से ज़्यादा जानवर के बारे में, या किसी भी नाम को जो एक से ज़्यादा हो वो प्लूरल, जो सिर्फ सिंगल हो वो सिंगुलर नाउन होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।